मिस्टर जॉन, कोई गुड न्यूज है या नहीं? हाँ गुड न्यूज, यू आर गोइंग आउट। फाबरी ने कंप्लेंट वापस ले ली। ऐसे कैसे? कुछ भी, मिस आइलैंड ने एज अ मीडिएटर स्टेटमेंट वापस लेने में हेल्प की। ये बात फाबरी के लॉयर ने मुझे कॉल करके बताया। बाकी की डिटेल्स आपको रास्ते में बताता हूँ, आइए। मिस्टर जान जब तक नहीं आते तब तक मैं यहाँ का मॉनिटर हूँ। मेरे अप्रूवल के बिना कुछ नहीं होगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बाहर आई नहीं तो अरे क्यों नहीं आएंगे, हमें बस स्ट्रांग रहना होगा। हमारी कंपनी को हमारी जरूरत है। डोंट वरी, हम साथ मिलकर। सनेम, सनेम मुझे बताओ तुम कहाँ थी? वो मेरा कुछ काम था इसीलिए लेट हुआ। एटलीस्ट मुझे इन्फॉर्म तो कर देती सनेम। जब तक मिस्टर जान नहीं आते मैं मॉनिटर हूँ, समझी ना? हाँ समझ गई। बहुत अच्छे, हम एक फैमिली हैं, हम साथ मिलकर सारे सॉल्यूशंस ढूंढ लेंगे। तो प्लान के हिसाब से अब आगे क्या करना है? प्लान के हिसाब से तो मैंने सनम को जो प्रॉमिस किया है वो तो रखूंगा, पर मैं शेयर्स भी दे दूंगा। वो शेयर्स लेकर अब मुझे कोई फायदा नहीं है। फिक्र हरिका के शेयर्स में अब कोई दम नहीं बचा। क्या कहा? जिन शेयर्स के लिए हमने इतना बड़ा ड्रामा किया वो अब दे रहे हैं? आइलिन, मैं शेयर्स बेचने नहीं वाला, मैं बस शेयर किसी को देने वाला हूँ। दोनों के बीच क्या डिफरेंस है आप जरा बताएंगे मुझे प्लीज? बैठो ना जरा आइलिन। आइलिन, फिक्री हरिका के जो शेयर्स है वो मैं देने वाला हूँ तुम्हें आइलिन। क्या मुझे? पर क्यों? ताकि तुम उस कंपनी में एक हीरो बनकर लौटो और फिर मेरे प्लान के हिसाब से उन्हें बर्बाद करो। मेरी बात ध्यान से सुनो जरा। कंपनी को बचाने या बर्बाद करने की ताकत तुम्हारे हाथ में होगी फिर। वैसे आपका ऑफिस बहुत अच्छा है, पर आपने पिछली बार मुझे आपकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव की पोस्ट से फायर किया था, याद है ना आपको? डोंट वरी, इस बार हमारे पास एक कोलैबोरेटर है, सनम। क्या? सनम चाहती है कि हमारा एग्रीमेंट एकदम सीक्रेट रहे, तो तुम जाकर जान से कहना कि तुमने मुझे कन्विंस किया शेयर्स देने के लिए, और कहना कि जान को बाहर निकालना वगैरह ये सब तुमने किया। हाँ, पर मैंने आपको कन्विंस कैसे किया? आइलिन, कुछ भी बोल लो, मे बी तुम्हें मेरा कोई सीक्रेट पता चल गया और तुमने मुझे थ्रेटन किया, ठीक है? हाँ, मुझसे और लोग कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। तो जान के पास तुम्हारे खिलाफ लड़ने के लिए कोई टेक्निकली पॉइंट बचेगा ही नहीं, क्योंकि तुमने तो उसे बचाने की कोशिश की है, समझने की बात करो। और सनम भी चुप रहेगी क्योंकि वो नहीं चाहती कि जान को कुछ पता चले। एग्जैक्टली, और फिर हम धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर उसे तबाह कर देंगे। फाबरी, बहुत अच्छा प्लान है। आई एडमायर योर इंटेलिजेंस। डोंट वरी, मैं आपके प्लान का हिस्सा हूँ, यू कैन ट्रस्ट मी। तो चलिए हमारे नए प्लान के लिए टोस्ट करते हैं। एक्चुअली हमें टोस्ट सिर्फ एक चीज के लिए करना चाहिए, सक्सेस के लिए। ऑफ कोर्स। मिस्टर जान, मिस्टर जान आ गए। जान, जान आप आ गए, हटो यहाँ से। मुझे सबको सरप्राइज देना था। जान, आपको देखकर अच्छा लगा। थैंक यू डरन। मिस्टर जान, हमें पता था आप जेल से वापस आएंगे, पर आप नहीं तो अच्छा लगा। यही कहने वाले था ना तुम जेजे। मिस्टर जान, जेल की जिंदगी कैसी होती है? बहुत मुश्किल होती है ना? मिस्टर जान, आपने कहीं वेट तो लूज नहीं किया ना? आप काफी स्लिम लग रहे हैं। नहीं तो गाइस, मैं वहाँ से एक रात के लिए रहा था तो। हाँ मिस्टर जान, पर जेल की दीवारें इतनी ठंडी होती हैं कि कोई भी मर सकता है। तुमने एक्सपीरियंस किया है क्या कभी जेल? इसमें मत बोलो पुलिस, मैं बॉस से बात कर रहा हूँ ना। बस करो गाइस, मिस्टर जान की इन्वेस्टिगेशन करना बंद करो। नो प्रॉब्लम डरन। आपको देखकर अच्छा लगा मिस्टर जान। थैंक यू लैला, थैंक यू। मिस्टर जान, एक और सवाल पूछूं क्या? जेल में आपने सबसे ज्यादा क्या मिस किया? जान। ये मेरी जान ने बनाई हुई टेस्टी और डिलीशियस चाय है। वाह सनम, मिस्टर जान तुम्हारे चाय के दीवाने हैं। वाह सनम, बहुत अच्छे। वाह, सब कितने खुश हैं, फाइनली सब एक साथ हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये सब हुआ कैसे? अच्छा भाई,
ये बताओ कि लॉयर ने क्या कहा तुमसे? लॉयर ने कहा आइलिन ने मुझे निकलवाया। आइलिन ने? फिर से आइलिन? क्या किसी ने मुझे याद किया? Talk of the devil and the devil is here. हाँ मैं आ गई हूँ गाइस। फैब्रिक के बारे में मुझे एक सीक्रेट पता चला है तो तुमने उसे थ्रेटन किया है ना? सही बोल रहा हूँ ना? ओह नो, मैंने उन्हें वार्न किया। मैंने उनसे कहा कि आप अपनी कंप्लेन वापस ले ले और इस कंपनी के शेयर्स मेरे नाम कर दें। शेयर्स तुमने लिए? हाँ जान, आज से मैं तुम्हारी नई बिजनेस पार्टनर हूँ। एक मुसीबत खत्म होती नहीं कि दूसरी आ जाती है। ओ जान प्लीज ऐसा मत कहो, मैं यहाँ फाइट करने नहीं आई हूँ। फैब्री अब हमारी जिंदगी से दूर चला गया है। आई थिंक अब हमें एक दूसरे पर ट्रस्ट करना सीखना चाहिए। ट्रस्ट ऐसे ही कहकर नहीं होता एलन, तुम्हें अर्न करना पड़ता है। तो ये बकवास बंद करो जान, इंस्टेड ऑफ सेइंग थैंक यू तुम मुझे ये सब सुना रहे हो। मैं थैंक यू कहूँ? मैंने तुमसे फेवर मांगा था क्या? ये मेरे और फैब्री के बीच की बात थी, मैं सॉल्व कर लेता, तुम्हें इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं थी। ये सब करना इतना आसान नहीं होता। एनीवे तुम उसकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव थी तो तुम इतनी आसानी तो उससे दुश्मनी मोलोगे नहीं, तो सच क्या है वो चुपचाप बता दो हमें। बिजनेस है, एज यू नो बिजनेस में हर एक अपॉर्चुनिटी को पकड़ना जरूरी है, तो मैंने वही किया। तुम्हारे बिजनेस एथिक्स के हिसाब से करना ठीक होगा, पर मैं तुम्हें यहाँ देखना नहीं चाहता, तो निकल जाओ यहाँ से। I missed you too. Emre, तुम्हारी नई बिजनेस पार्टनर होने के नाते मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हारे केबिन में चले। अब यही होना बचा था। और नहीं तो क्या? वाह क्या दिन है, वेरी नाइस। जान My darling, I can't believe Island. सनम कुछ मत बोलो, मुझे बस तुम्हें हग करना है, तुम्हारे साथ रहना है। जान मैं बहुत डर गई। नहीं डरो मत, मैं यही हूँ। सब हमें देख रहे हैं। ओके चौबीस घंटे मैंने तुम्हारे बिना कैसे बिताए मुझे ही पता है। फैब्री, अब ये फैब्री की बातें भूल जाओ। ओके वो चला गया किसी तरह, हम आइलिन से भी पीछा छुड़वा ही लेंगे। मैं उसे कभी ट्रस्ट नहीं करूंगा और तुम्हें भी थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। आई एम श्योर उसने कोई ना कोई प्लान बनाया होगा। हाँ तो जरा संभल कर रहना, मैं उसका प्लान पता कर लूंगा। ठीक है तो फिर मैं अब काम कर लेती हूँ। आइलिन, डोंट एक्सपेक्ट कि मैं तुम्हारी स्टोरी पर भरोसा करूंगा। आई नो यू वेल एमरे, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो ना सही, पर सच यही है। आइलिन, फैब्रिक खुद्दार आदमी तो है नहीं कि तुम्हें उसने ऐसे ही सब दे दिया। तुम्हें उसके फ्रॉड के बारे में पता चला तो तुमने उसे थ्रेटन किया और उसने तुम्हें शेयर्स भी दिया और कंप्लेंट भी वापस ले लिया। वेल एमरे, मैं बहुत अच्छी तरह से थ्रेटन करती हूँ, ये बात तो तुम जानते ही हो। एनीवे मैंने तुम्हें फैब्री से बचाया और मैं अब 20% शेयर की हिस्सेदार हूँ। तुम्हें सिर्फ इस पर फोकस करना चाहिए एमरे। मेरे लिए द वॉर इज ओवर, मुझे जो चाहिए था मिल गया है। अब से मुझे सिर्फ अच्छे काम करने हैं और खुश रहना है, एंड आई नीड योर सपोर्ट फॉर दिस। देखो आलिया, तुम जो चाहती थी मैंने वो सब किया। अब अगर तुम्हें मेरा सपोर्ट चाहिए तो तुम्हें मुझे रिकॉर्डिंग देना होगा। एमरे डियर, मैं तुम्हें वो रिकॉर्डिंग नहीं दे सकती, वो तो मेरा हुक्म का हिक्का है। डेविड मुझे रिपोर्ट देनी है, तुम प्लीज अरेंज करने में मेरी हेल्प करोगे? हाँ, क्यों नहीं। डिटेल्स लेला, अगर तुम्हें काम है तो मैं ये फाइल मिस्टर एमरे को दे दूंगी। नो थैंक्स, मैं ये कर लूंगी। ठीक है तुम कर लो। थैंक्स रिपोर्ट के लिए। एमरे सुनो, हम दोनों फिलहाल एक ही बोट में सवार हैं और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर तुम्हें किसी और डायरेक्शन में जाना है तो तुम मुझे बता दो। याद है हम पास्ट में कितने खुश थे, हम दोनों ने साथ मिलकर कितनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व की हैं। हम अपनी सारी मिस्टेक सुधार लेंगे, ट्रस्ट मी।
ये तुम क्या कर रही हो? एमरे रिलैक्स। तुम्हारे रहते हुए मैं कैसे रिलैक्स कर सकता हूँ? It's over. Just accept it. Okay, Emre, I understand. Just calm down. मैं समझ गई। Yeah, I know. अब से हम सिर्फ बिजनेस फ्रेंड्स हैं, okay? Then let's make a deal, Emre. मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी अगर तुम जानू को कन्विंस करो कि वो मुझे यहाँ रहने दे। मुझे नहीं लगता कि मैं भाई को कन्विंस कर पाऊंगा। Emre, I think you didn't understand. मैं जो कहूँ तुम्हें सुनना होगा, और एक बात समझ लो कि मेरा तुम्हारे पास रहना तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। मुझे क्यों बुरा लग रहा है? उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, रीजन तो क्लियर है। एम आई सरप्राइज्ड? मैं ही पागल थी। मैं इतनी स्टूपिड क्यों हूं? पर अब से उन लोगों की वैल्यू करूंगी जो मेरी वैल्यू करते हैं, जो हमेशा मेरे साथ हर प्रॉब्लम में खड़े रहते हैं। लैला कैसी हो तुम? उस्मान मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? I'm fine, मुझे स्क्रिप्ट भेजिए, बस वही पढ़ रहा था मैं। ओह, सुपर्ब। कैसी है स्क्रिप्ट? डिफिकल्ट है क्या? तुम कर पाओगे ना ये तो? ऑफ कोर्स तुम कर ही लोगे, मैं भी क्या बोल रही हूँ सच में। हाँ लग तो रहा है कि मैं कर लूंगा। कुछ सीन्स में एक्शन करने की जरूरत है, उसमें मुझे गाइडेंस लेने की जरूरत पड़ेगी बस। ओह एक्शन का सीन है, सुपर्ब। ओके देन, मैं तुम्हारा वक्त जाया नहीं करूंगी, तुम काम करो, सी यू लेटर। हाँ बोलो उस्मान। आज शाम तुम फ्री हो क्या? क्या हम आज शाम मिल सकते हैं? आज? हाँ ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। बैठ कर बातें करेंगे, ठीक है? ठीक है, हम शाम में बात करते हैं फिर। गुड बाय। See you. Bye bye. I missed you so much. I missed you too. मेरा काम हो गया। मेरा थोड़ी देर में हो जाएगा। मैं बस पुराने कैंपेन्स चेक कर रही थी, अगर हमने ऐसा सिमिलर काम पहले किया हो तो थोड़ी इंस्पिरेशन मिल जाती। नाइस आइडिया। हाँ ये रही कुछ नई डिजाइन्स। अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा है सच में। थैंक यू सो मच। तो चलो फिर तुम काम खत्म कर लो, उसके बाद हम साथ चलते हैं। अरे हाँ क्यों नहीं, माउंटेन हाउस चले तुम और मैं, मूवी देखेंगे, सारी प्रॉब्लम्स भूल जाएंगे। हाँ क्यों नहीं, चलते हैं ना। नहीं नहीं जा सकते, क्योंकि वो जेल वाली बात का मोहल्ले में थोड़ा इशू हो गया है, इसीलिए नहीं जा सकते। पर उन्हें कैसे पता चला? ऑफ कोर्स मेरे मोहल्ले में कुछ छिपता नहीं है। I'm sure मॉम ने सबकी जमकर पिटाई की होगी, पर बड़ी प्रॉब्लम है कि मॉम और डैड के बीच सब सुलह नहीं हुई अभी तक। अभी तक? सच में? मैं चाहता था कि हम सब एक अच्छी फैमिली की तरह साथ रहे, पर देखो ना क्या हो गया। अच्छा एक काम करते हैं, हम कुछ अच्छा खाने चलते हैं, फिर मैं तुम्हें वहां से घर ड्रॉप कर दूंगा। कैसा लगा प्लान? मैं आपको और खाने के लिए नहीं कह सकती, 5 मिनट में आऊं? ओके, तब तक मैं फ्रेश हो जाता हूँ। ओके ओके। मिस्टर जॉन, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। सर एम आर्काइव रूम में तुम फिर से शिफ्ट हो गई हो?
कैसा लग रहा है? ये जगह ज्यादा कम्फर्टेबल है इसलिए तुम यहाँ आकर बैठी। ऐसी बात नहीं है, मुझे पुरानी कैंपेन्स चेक करनी थी इसलिए यहाँ आ गई थी। तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी डैरन? अच्छा मैं आपको मेरा प्रेजेंटेशन दिखाना चाहती थी सो। हाँ तुम मुझे ईमेल कर दो, मैं घर जाकर देख लूंगा, मुझे अभी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। अच्छा मुझे लगा था हम डिस्कस करेंगे, उसमें काफी इश्यूज होंगे तो बार बार एक ही काम करना पड़ेगा। पर अगर मेरी कोई फीडबैक रही तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। ओके ओके ठीक है। टू वन थ्री फोर। कुछ नहीं मिलता है तो सब मेरे पीछे पड़ जाते हैं। सनम तो निकम्मी है ना, उसे कुछ नहीं आता है। ये सब क्या है? क्या है मतलब? ये सारे मेरे कपड़े हैं, तुम्हें क्या हुआ? तुम घर से ये सब कब लेकर आए? बच्चियों ने मदद की क्या? नहीं। अच्छा मेरे पास अभी भी घर की चाबी है मिसेस मेवकेबे, अगर तुम्हें वो भी चाहिए तो बोल देना, दे दूंगा। क्या तुम यहाँ काफी टाइम तक रहने वाले हो? तुम्हारी वजह से। क्यों, मैंने क्या किया? मैंने तुम्हें घर से निकाला है, मैंने कहा कि यहाँ पर आकर रहो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? सोचो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। अब इस सब के लिए मुझे ही शर्म आनी चाहिए है? ये बात कह रही हो? तो तुम मोहल्ले में मेरी बेइज्जती करवाने वाले हो निहाल। और तुमने मेरी बेइज्जती की उसका क्या? मैंने सुना तुम मेरे बारे में गॉसिप कर रही थी, मेरे बारे में गली में चर्चाएं हो रही हैं। पर मैंने तो तुम्हें बस इतना। बस अब मुझसे नहीं होता, बहुत हुआ। तुमने जो कहा मैंने अपने कानों से सुना मेवकेबे। मैं गुस्से में थी इसलिए मुँह से निकल गया और कुछ नहीं मेरा। हेलो कैसी हैं आप मैडम? मैं खाली चिप्स लेने आया था। ये लो, मैंने खाने में मीठा भी मंगाया था वो नहीं दिया था तुमने। दरअसल वो खत्म हो गया था सर। खत्म हो गया था? अच्छा ठीक है जाओ। ओके सर मैं चलता हूँ। थैंक यू। अच्छा तो तुम अब रेस्टोरेंट से खाना भी मंगाओगे? तुम्हें मेरी क्या जरूरत है अब? मैंने क्यों तुम्हारे लिए पेस्ट्रीज बनाई, तरह तरह के खाने बनाए, जब भी तुमने कहा मैंने वो बना कर दिया। पर अब तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? अब तो तुम बाहर से मंगा के खा सकते हो, मैं तो कुछ हुई नहीं। खाओ सड़ा खाना। सुनो मुझे भूख तो लगी है मेवकेबे, पर भूख है सच्चाई जानने की, भूख है साथ की। पेस्ट्री में पालक डालिए क्या? पेस्ट्री में पालक डालिए, पर तुम्हें खाने की जरूरत नहीं ना। तुम भी बाहर से मंगा के खाओ और उनसे कहो कि पेस्ट्री में पालक डाल के दे, देखती हूँ कि डाल के देते हैं कि नहीं। बाहर से खाना है इन्हें। वैसे मुझे भूख तो नहीं थी, पर प्लेट यहाँ रखकर जाने में क्या गलत था। अरे वाह ये लो, कितनी टेस्टी फिश है ना, एक बार खाऊं तो भी मन नहीं भरता। हाँ सही कहा, ये लोग फिश एकदम प्यार से बनाते हैं। प्यार से बनाते हैं? जान आपको पता है जब मैंने आपको जेल में देखा तो मैं बहुत डर गई थी, आप वहाँ होना बिल्कुल डिजर्व नहीं करते, आप बहुत अच्छे इंसान हैं जान। पर अब उस सब बारे में मत सोचो। पता है किस बात की सबसे ज्यादा फिक्र थी? किसकी? तुम्हारी। मैं तुम्हारी बहुत फिक्र करता था और मुझे लग भी रहा था कि अब तुम खुद पे ब्लेम डाल दोगे। ऑफ कोर्स, क्योंकि फैब्रिक को ऑफिस में लाने वाली मैं थी। उस आदमी का नाम मत लेना प्लीज। वो जो मूनस्टोन्स थे वो टूट गए, वो कुटलक ला रहे थे, पर मैंने उन्हें तोड़ दिया इसलिए उनका मैजिकल पावर खत्म हो गया। सनम मेरी मूनस्टोन तुम हो, मेरी एंजल, मेरा मैजिक सब तुम हो। फिक्र मत करो मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे एक अच्छी सी हक दो, चलो आ जाओ मुझे हक देना। मुझे कभी छोड़कर मत जाइएगा। कभी नहीं जाऊंगा, मेरा दिल मुझे कभी तुमसे अलग होने ही नहीं देगा। आई रियली लव यू, तुम मेरा सब कुछ हो। अच्छा हुआ तुम ऑफिस से जल्दी निकल गई। हाँ हाँ मिस्टर जान की सिचुएशन की वजह से आज कोई काम नहीं कर पाई मैं, जल्दी आ गई बस। अच्छा हुआ। उन्हें इतनी जल्दी कैसे छोड़ दिया? वो इटालियन आदमी तो स्टबन था ना। हाँ वो स्टबन है, पर हमने उससे भी ज्यादा स्टबन लोग देखे हैं। आइलिन तुम जानते हो उसे? उसने फैब्रिक की एक गलती ढूंढी और उसे थ्रेटन किया, इसीलिए उसने कंप्लेन पीछे ले ली और बदले में शेयर्स आइलिन को दे दिए। उसने उसके शेयर्स आइलिन को दे दिए? आइलिन ये वही औरत है ना जो मिस्टर एमरी की एक्स गर्लफ्रेंड या नई गर्लफ्रेंड? आई रियली डोंट नो, एक्चुअली मुझे फर्क भी नहीं पड़ता।
मिस्टर जॉन सेफ है और फैब्री हमारी लाइफ से बाहर है, बस यही चीजें मुझे। और अब आइलैंड के आने से तुम क्या डिस्टर्ब नहीं होगी बताओ? हाँ आइलैंड अब नई बिजनेस पार्टनर है पर मैं वहाँ एक एम्प्लॉय हूँ। मैं बस मेरा काम करूंगी एंड दैट्स इट। मिस्टर जॉन और मैं चाहते हैं कि बस सनीम का इस पर असर ना हो वरना वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। उस्मान है। हाँ, हाँ, पूछे क्या क्या पूछो ना, मुझे भी वही लगता है। हाँ, जाओ, जाओ, चलो जाइए पूछते हैं। एक्सक्यूज मी, आप टीवी सीरीज वाले उस्मान है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ ये वही है, मैंने कहा था ना वही है। एक्चुअली हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। जब से आप उस सीरीज में आए हैं हम उस सीरीज का एक भी एपिसोड मिस नहीं करते। मुझे आपकी एक्टिंग बहुत पसंद है। थैंक यू, इतनी तारीफ करने के लिए थैंक यू। क्या हम आपके साथ एक फोटो ले सकते हैं प्लीज? हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। क्या आपकी गर्लफ्रेंड फोटो ले लेंगी? ओके दे दो मुझे। ये लो मैंने कुछ फोटोज ले लिए हैं। आप इनकी जोड़ी बहुत अच्छी है, बिल्कुल उस टीवी सीरियल की तरह। या सो स्वीट ऑफ यू। बाय बाय। थैंक यू सो मच। उस्मान तुम तो फेमस हो गए हो। हाँ हाँ ना, मेरे लिए भी ये सब कुछ फर्स्ट टाइम है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। लेट मी टेल यू, फ्यूचर में तुम ऐसे फ्रीली सड़क पर घूम नहीं पाओगे। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ ऐसा ही होगा, लड़कियाँ तुम्हारे पीछे पागलों की तरह भागेंगी। हाँ वो तो है, पर मुझे सिर्फ एक ही लड़की में इंटरेस्ट है। तुम मेरी बात कर रहे हो? पहले कभी भी उनमें इतना बड़ा झगड़ा नहीं हुआ। डैड कभी भी हमसे इतना नाराज नहीं हुए थे, खासकर मॉम डैड एक दूसरे से कभी इतने नाराज नहीं होते। वो तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। डोंट वरी स्वीटहार्ट, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे डैड मॉम एक दूसरे से दूर ज्यादा देर नहीं रह पाएंगे, और हम है ना, हमारा प्यार उन्हें वापस जरूर ले आएगा। हाँ हाँ आपने सही कहा, आप साथ है तो मुझे कोई फिक्र नहीं है। चलो अब मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। हाँ ओके, पर आप मोहल्ले में अकेले मत आइएगा, ठीक है? हाँ ठीक है ना सनम, बार बार क्यों बोल रही हो मुझे? जान मैं जो भी कहती हूँ आप हमेशा उसका अपोजिट करते हैं, इसीलिए बार बार कह रही हूँ, अगर फिर पकड़े गए ना तो बवाल हो जाएगा। निहात का कहना है कि उसे सच्चाई जाननी है, उसे सच की भूख है, तो क्या मैंने कभी उसे सच्चाई नहीं बोली है? हमेशा सच बोला है। मॉम? क्या मॉम, क्या मॉम, क्या कहना है? कुछ नहीं मॉम, आपने कितना अच्छा खाना बनाया है। मॉम आप फिर से नॉर्मल हो रही है, आपके हाथों का जादू तो सुपर से ऊपर है। मैं आ गई। ओह मॉम आज आपने ये सब कैसे बना लिया? हमेशा तो बनाती हूँ, आज ऐसा क्या खास हो गया? हमेशा बनाती हूँ मैं। ऑफ कोर्स आप हमेशा ही बनाती हैं। हाँ, आप हमेशा ही टेस्टी और डिलीशियस खाना बनाती हैं, लेकिन इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि किसी शादी की दावत में आए हैं। सही कहा तुमने, शादी की दावत ही बना रही हूँ मैं। मॉम वैसे जान जेल से छूट गए। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ ना, तुम्हारे डैड नहीं है तो क्या हुआ? ऊपर वाला सबकी बात सुनता है, मैं हूँ यहाँ पर सुनने के लिए, मुझसे बात करो। डैड, डैड है मॉम? वो आज भी घर नहीं आएंगे क्या मॉम? तुम्हारे डैड रेस्टोरेंट का खाना खा रहे हैं बड़े मजे से, जैसे मैंने कभी अच्छा खाना ही नहीं खिलाया। ओ मॉम ऐसे बात मत करिए, प्लीज स्टॉप इट। आप ऐसा क्यों कह रही हैं मॉम? तो मॉम मुझे बताइए, डैड अभी भी शॉप में ही है ना? मॉम अब बस बहुत हुआ, मैं डैड से लड़ने जा रही हूँ। उनसे ये मत कहना कि मैं रो रही थी। लेला जाओ ना, कहो ना उससे ये कहीं उन्हें बताना दे जाकर। उसे बताना तो होगा मॉम, मुझे रोते देखकर उन्हें खुशी होगी, दुश्मन है मेरे। मॉम क्या बोल रही हैं, ऐसा नहीं है, रोइए मत आप, सब ठीक हो जाएगा। आप इतनी चिंता क्यों करती है, सब ठीक हो जाएगा मॉम, सब ठीक हो जाएगा। आइए आप बैठ जाइए, बैठ जाइए जल्दी से, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ, आप बैठिए। मैं भी आई, पूरा बदन दुख रहा है मेरा। Thank you.
आप अगर ऐसे शांत रहेंगे तो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कौन करेगा? देखिए, मैं जानती हूँ आप क्या कहेंगे कि इस बारे में पहले सोचना चाहिए था। मैं समझ सकती हूँ। याद है जब मैं छोटी थी तो ऐसे दौड़कर आपके और मॉम के पास आती थी क्योंकि मुझे अकेलेपन से डर लगता था, और आज आपकी चुप्पी देखकर मुझे फिर से वही अकेलापन महसूस हो रहा है। जिंदगी के तूफान से बचाने वाले मेरे वो डैड मेरे साथ क्यों नहीं है? तुम आकर मेरे बगल में सोती थी ताकि मॉम तुम्हें न डांटे, क्योंकि आप हम पर कभी गुस्सा नहीं होते। करता बेटा, कितने छोटे छोटे हाथ और पैर थे तुम्हारे, एकदम गुड़िया की तरह लगती थी तुम। जब हमारे हाथ पैर ठंड से कांपते हैं तो आप उन्हें गर्माहट देते हैं। इतने बड़े कब हो गए मेरी बेटिया, मुझे पता ही नहीं चला। डैड, मैंने आपका दिल तोड़ा, आपके नाक शर्म से झुका दी। तुम मेरी नाक कभी नहीं झुका सकती बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मुझे बस फिक्र थी बाप जो हूँ मेरी बच्चियों की खुशी, उनकी खुशी, मुझे और क्या चाहिए बेटा, मेरा क्या है, मैं आज हूँ। डैड ऐसा मत कहिए। जाना तो सबकी किस्मत में लिखा है, याद रखना तुम मेरी बच्ची हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अगर तुम्हें किसी ने दर्द पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे डैड तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। डैड आपने मुझे माफ कर दिया। अब मेरी आंखों में देखो और जवाब दो, क्या तुम्हें वो आदमी मिला जो तुम्हें हर हाल में मेरी तरह प्रोटेक्ट करेगा? आपने मुझे माफ कर दिया ना डैड। मैं तो तुमसे कभी गुस्सा था ही नहीं, तुम मेरी जान हो बेटा। ठीक है, पर अब आप मेरे साथ घर चलिए क्योंकि मॉम बहुत दुखी है। नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हारी मॉम को कभी माफ नहीं करूंगा। पर डैड उनकी। नहीं सुनो बेटा, तुम्हारी मॉम ने मेरा दिल तोड़ा है, मैं उसे माफ नहीं करने वाला। पर आज उन्होंने आपका फेवरेट डिजर्ट बनाया है। क्या कहा, सच में? हाँ। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं छोड़ दो, प्लीज डैड मत पढ़ो। ओके अब जाओ वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी। और इतनी जल्दी बड़ी मत होना, ठीक है? जिद्दी है वो, बहुत जिद्दी है सच में। तो क्या कहूँ, मैं उन्हें बताने वाली थी पर मोहल्ले वालों ने उनके सामने कुछ कह दिया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मॉम प्लीज आप ऐसा मत कहिए ना। मैं अच्छे से जानती हूँ पर मैं उनसे माफी बिल्कुल नहीं मांगने वाली, अब बिल्कुल नहीं मांगूंगी। मॉम मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता है, आप जिनसे प्यार करते हैं उन्हें हर्ट कैसे कर सकते हैं? बोलिए ना, बताइए ऐसे कैसे कर सकते हैं, बताइए मुझे। उन्होंने मुझे हर्ट किया है। मॉम आई एम श्योर वो भी दुखी होंगे सच में। आप डैड का वेट कर रही है ना? वो नहीं आए ना? नहीं तो मैंने उन्हें बताया कि घर पे कदाइफ बना है।
सच कह रही हो तुम? हाँ, कदर एक बना है, लेकिन इसका नाम लेने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि नहीं आऊंगा, लेकिन उन्होंने मुझे माफ कर दिया है क्योंकि मैं उनकी बेटी हूं, इसलिए। और उन्होंने कहा कि मैं उनके जिगर का टुकड़ा हूँ। यहाँ मेरी किसको पड़ी हुई है? वो तुमसे बात करेंगे, मेरे से कौन बात करता है यहाँ? मुझसे क्या लेना देना? मैं यहाँ पर खाने बनाती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, पर मेरी किसे परवाह है? तुम लोग खा लेना, मुझे भूख नहीं है। वैसे भी इस घर में मेरी किसको पड़ी हुई है? मुझे लगा पीछे से मुझे मुक्का मारेंगी। अरे सनीम, ये दोनों इतने साल से साथ में हैं और अब देखो तो नहीं जरा। हाँ अच्छा है तुम्हें अपना सच्चा प्यार मिला, बाकी सब तो सफर कर रहे हैं। हाँ मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल गया, आपको भी मिल जाएगा, आप दिल छोटा मत कीजिए। डोंट बी सो होपलेस। मैंने आज आइलेन और इमरे को किस करते हुए देखा, इमरे के कैबिन में, ऑफिस में, सबके सामने। ऑफिस में किसिंग अलाउड है? कितनी शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। वेरी शेमफुल। चलो माना आप मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते, बट ऑफिस के बाकी लोगों का क्या? उन्होंने कभी उन्हें रिस्पेक्ट नहीं किया? क्या बोलूं मैं, पर इस सब की वजह से मैंने एक सबक सीखा है सनी, इसीलिए मैंने आज एक डिसीजन लिया है। आज से जो लोग मुझे चाहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, वैल्यू करते हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ उनसे बात करूंगी। इसीलिए मैं ओस्मान को चांस दूंगी अपनी तरफ से। आर यू सीरियस? सच में ये कह रही है? आज ही हमने साथ में चाय पी। मुझे उस्मान बहुत पसंद है और मैं 100% उसकी साइड में हूँ। I'm really happy। हाँ वो सच में बहुत अच्छा है। I hope आप उस्मान के साथ खुश रहें। I hope so my dear। मुझे आपके साथ कुछ बात करनी थी। क्या हुआ? मैंने फैब्रिक को जाकर परफ्यूम दे दिया है ताकि वो जान पर किए हुए कंप्लेंट्स को वापस ले ले और उनके शेयर भी वापस दे दे, पर उसके बदले आइलेन आ गई। तुम्हें नहीं पता था आइलेन इन्वॉल्वड है? नहीं पता था, उन्होंने मुझे धोखा दिया है। अगर जान को पता चला तो? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है लैला, मैं उनसे ऐसी ही चीजें छिपाती रहती हूँ और फिर गड़बड़ हो जाती है, पर इस बार मुझे ये सब बातें उन्हें जाकर बतानी है। हाँ हाँ तुम्हें बताना होगा, पर अब से थोड़ा संभल कर सनीम, तुम जो भी करो बस याद रखना जान को हार्म नहीं होना चाहिए, वो ऑलरेडी बहुत झेल चुके हैं पहले से ही, तुम जानती हो। बहुत शर्म की बात है। डोंट वरी। मैंने उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब किया। क्या बात है, तुम काम कर रहे हो? What's up, bro? मैं काम कर रहा हूँ, तुम्हें सिचुएशन मालूम है ना, हमें प्रेजेंटेशन देना है और हमारे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं बचा है, मुझे कल फाइनल ड्राफ्ट देखना। थोड़ा रेस्ट कर लो, वैसे भी तुम्हें कल रात नींद नहीं आई होगी ना। Of course, कैसे आएगी नींद, कौन सोता है जेल में। Anyway, तुम बताओ, हमारी सुबह बात नहीं हो पाई थी। हाँ सब ठीक चल रहा है, सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो गया, फैब्रिक का जाना, आइलैंड का आना, फैब्रिक से बेटा तो आइलैंड ही है, और अगर उसे शेयर्स नहीं मिले होते तो आज हम कोई प्रेजेंटेशन नहीं बना रहे होते, पता नहीं क्या हो रहा होता और क्या नहीं। हाँ तुम्हारी बात तो सही है,
पर तुम्हें ये सब थोड़ा वियर्ड नहीं लग रहा क्या? फैब्रियस की कंप्लेंट पीछे ले लेता है और आइलिन को शेयर्स दे देता है, सो वियर्ड है ना? मैंने फैब्रिक की आंखों में गुस्सा और एम्बिशन दोनों देखा है, जरूर दाल में कुछ काला है ब्रो। सही कहा, पर वो आइलिन उसे फैब्रिक के किसी फ्रॉड के बारे में पता चल गया होगा, उसने फैब्रिक को डराया होगा और क्या। वैसे भी मैकिनन ने भी तो उसके बुरे कामों के बारे में पता है। पता नहीं है ब्रे, फैब्री ने कंप्लेंट वापस ले ली ना, मैं उस मूव से थोड़ा कन्विंस नहीं हूँ। मुझे काफी गड़बड़ लग रही है। I mean, something is not right. तुम सही हो सकते हो, but you don't worry, मैं ढूंढ निकालूंगा। तब तक आइलिन को हमें हमारे साथ रखना होगा। हमारे साथ? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम चाहते हो कि वो ऑफिस में रहे? मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करता। एटलीस्ट अभी के लिए उसे यही रहने दो। मैं तो सबूत ढूंढ ही रहा हूँ ना भाई, तुम देखना मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ओके ठीक है, तो तुम उस पर फिर से भरोसा मत कर लेना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बी स्मार्ट। नो, नेवर। गुड, ओके देन, मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। अच्छे से सोना। गुड नाइट ब्रो। तुम सो गई क्या? अभी नहीं, आप ही के बारे में सोच रही थी। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। सब ठीक है ना? अब डैड आ गए क्या? बात हुई? हाँ, मैंने बात की पर वो घर नहीं आए, पर उन्होंने मुझे माफ कर दिया है। रियली? उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मुझे वो आदमी मिल गया जो मुझे उनके जैसा प्रोटेक्ट करेगा। मैंने उसे कहा हाँ। ऐसा कहा तुमने? वो आदमी मैं हूँ। हाँ आप हो। मुझे ना तुम्हें अभी किस करने का मन कर रहा है, पर क्या करो, ये फोन्स में ना अभी तक इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ी नहीं है। आप कितने स्वीट है। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू माय स्वीट हार्ट। लगता है मॉम कमरे में आ रही है, मुझे फोन रखना होगा। ओके बाय। ओके, तो मैं काम करता हूँ, मैं इस ट्रिप के लिए रेडी हो जाता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे सपने में आ रहा हूँ ना, वहीं मिलूंगा मैं तुमसे। ओह जान डार्लिंग। सपने में तुम्हें कहाँ जाना है? तुम्हारी फेवरेट जगह कौन सी है बताओ? गैलापागोस। गैलापागोस, फैंटास्टिक चॉइस है तुम्हारी। ओके, अब तुम सो जाओ ठीक है, मैं तुम्हें सपने में बताऊँ। अच्छा ठीक है, गुड नाइट। अपने डैड से कह दो स्वीट खत्म हो गई है। डैड, अरे मॉम से कह देना मैं अब स्वीट्स का दीवाना नहीं रहा, कह देना। इनसे कहो कि कल घर आ जाना चाहिए था, खाना देखते तो दीवाने हो जाते, पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमने खा लिया। इससे कह दो मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रुकने वाला। ओ, अच्छा ये बात है। तुम्हारे मॉम से कह दो बेटा कि एक प्रेसिडेंट होना काफी नहीं है, घर परिवार की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, सबका ख्याल रखना चाहिए, जिम्मेदारी है, समझी ना। दुकान में काम करने के बाद क्या तुम घर में कोई काम करते हो, बताओ मुझे। इससे कहो कि सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब न करे, वो तो मुझे काउंसिल और टैक्स ऑफिस जाना था, इसलिए यहाँ मदद मांगने आया था कि कोई दुकान पर रुक जाए। कहो तुम्हारी माँ से, कह देना। इनसे पूछो कि इनके प्यारे दोस्त इनकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं, अब इनको घर की मदद की क्या जरूरत है, बताओ। हमारी मॉम से कह देना बेटा कि दुकान बंद होगी तो हमारी बिक्री नहीं होगी और हम गरीब हो जाएंगे, क्या उसे ये पसंद होगा। मैं तो सारे काम कर लेती हूँ, दुकान भी संभालती हूँ, घर भी संभालती हूँ। अरे वाह वाह वाह, हमारी प्रेसिडेंट कितनी महान है, कितनी अच्छी है हमारी प्रेसिडेंट। काश तुम्हारे डैड भी घर के लिए उतना ही काम करे जितना कि मैं करती हूँ, तब पता चलेगा। कर सकता हूँ, कहो तुम्हारी मॉम से कि कोई कोई नहीं सुन ले। Thank you.
Yükü verdim yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın.